बर्लिन के क्रिसमस बाजार में ट्रक से लोगों की जिंदगियों को कुचलने वाला हमलावर अनीस आमरी इटली में आखिरकार मारा गया है। इटली के गृह मंत्री मार्को मिनेती ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल इटली के गृह मंत्री मार्को मिनेती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते शुक्रवार मिलान में ट्यूनिशियाई शरणार्थी अनीस आमरी को कार की नियमित जांच के दौरान रोका गया था। इस पर अनीस ने पिस्तौल निकालकर दो पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अनीस को मार गिराया है। हालांकि अनीस की ओर से चलाई गई एक गोली एक पुलिस अधिकारी के कंधे में लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2011 से लेकर 2015 के दौरान अनीस इटली के सिसली की एक जेल में बंद था, इसलिए इटली के पास उसके उंगलियों के निशान मौजूद थे, जिसके बिना पर उन्होंने अनीस आमरी की पहचान की। आपको बता दें कि बर्लिन में हमले को अंजाम देने के बाद हमलावर अनीस आमरी फरार हो गया था। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 48 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। हमलावर अनीस आमरी के मारे जाने के बाद बर्लिन के लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं जर्मनी ने इसके लिए इटली का धन्यवाद किया है। देखते रहिए डीबी लाइव।